अस्सलामु अलैकुम। रिवायती खाने के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम गर्मियों की सौगात बनाने जा रहे हैं, शाही फालूदा। जी हाँ, फालूदा बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते। पहले आधे कप पानी के अंदर आप थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च या फिर अरारोट मिला लें, आधा कप की। इसको पहले इसके अंदर हल करेंगे, फिर इसके अंदर एक कप पानी और भी डाल देंगे। इसको हल करना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इतना। इसको बग़ैर गैस ऑन करें पहले हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं कॉर्नस्टार्च को इसके अंदर अपने चम्मच के थ्रू। ये देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पे अटक रहा है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। ये बस इसके ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो ये खुद ब खुद इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। बस इसको ऐसे नीचे से उखाड़ के और इसके अंदर डाल दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने के अंदर। बस छोटे से बेसिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके हम इसे आसानी से बना लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर कॉर्नस्टार्च अच्छे से जज्ब हो गया है। अब इसके अंदर हम एक कप मज़ीद पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि ये थोड़ा सा हो जाए। अब हमने गैस फ्लेम ऑन कर दी है और इसके अंदर एक कप पानी और मज़ीद शामिल कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको हमें जेली जैसा, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती तब तक इसको ऐसे चलाते रहना है। हाथ रोकना नहीं है वरना नीचे वो लग जाएगा तली के अंदर। हाथ बस इसके अंदर यही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अपना सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। देखिए किस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आपको मैंने अभी दिखाया। ये हल्के से नीचे जेली बननी शुरू हो गई है। अब ये इसके ऊपर से बिल्कुल चम्मच हिलाते रहिएगा, नज़र हटाइएगा मत, ये एकदम से जेली की शक्ल इख्तियार कर लेता है एकदम से। तो इसके अंदर चम्मच बस हिलाते रहिएगा, इसकी और कोई ट्रिक नहीं है, बस यही ट्रिक है। ये देखिए अब ये किस तरीके से जेली जैसी फॉर्म अंदर आ गया है। इसको बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें जो सफ़ेद रंग आया है बस इसको ख़त्म करते ही हम गैस फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और एकदम ठंडे पानी में कुछ आइस क्यूब डाल के और उसके अंदर इसको हमें सिवाई की जैसी शेप करनी है। ये देखिए ये बिल्कुल इस टाइम जेली जैसी शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब हम गैस फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर लेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बन गया है इस टाइम। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बिल्कुल ये ग्लू की तरीके से लग रहा है, किसी जैसे आपको दिखता है ग्लू, बिल्कुल उसी का। उसके बाद हम अपने सिवई या सेव मेकर, जो भी आप इसे बोलते हैं, उसको हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। आप इसको उंगली की सहायता से या ब्रश की सहायता से या जो भी आपको सहूलियत लगे उसके अंदर कर लेगा। और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस सेव मेकर में या सिवई मेकर में ऐड कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये सिवई मेकर काफ़ी गर्म हो जाता है, तो आप किसी कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप तो जैसा भी बेहतर लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। ये काफ़ी गर्म है, इसको ऐसे ही गर्म गर्म हमें इसके अंदर भरना है सिवई मेकर के अंदर। इसको ठंडा कर देंगे तो वहीं जम जाएगा। हमें सिवई मेकर में इसको बिल्कुल गरम गरम ताज़ा भरना है। बिल्कुल आप इसको नीचे तक भर लीजिए। ये आपके पैन में जिस तरीके से अभी लगा हुआ है ये सारा छुटके आ जाएगा, आपका पैन बिल्कुल एकदम धुला हुआ जैसा लगेगा। अब इसके अंदर हम इसके ऊपर का हैंडल लगा देते हैं, उसकी मदद से हम इसकी लंबे लंबे सेव फालूदे बना लेंगे। मैंने जैसे बताया था ये थोड़ा गर्म होता है, इसको कपड़े की मदद से हमने यहाँ पे पकड़ लिया है। अब हम यहाँ पे ये सिवई बनानी शुरू कर देते हैं। नीचे मैंने बिल्कुल यह पानी लिया है और उसके अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब्स हैं, काफ़ी ठंडा पानी चाहिए होता है इसके लिए। और इसको इस तरीके से घुमाते हुए इसके लंबे लंबे लच्छे बना लीजिए और पानी में शामिल करते जाइए इसी तरीके से। ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊंचा करके आपको दिखा देता हूँ इसके धागे किस तरीके से निकल रहे हैं।
ये पानी में जाते ही एकदम सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे बिल्कुल बाजार जैसे हमारे सेव बनेंगे यहाँ पे। फालूदा बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको बनाना है, और नीचे बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा पानी नहीं लेंगे तो वो आपके पानी में घुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिया था, बिल्कुल कितनी सारी बर्फ़ है इसके अंदर, और फ्रिज का ही पानी इस्तेमाल करा था हमने। अब इसको बस 5 से 10 मिनट सेट होने रख देंगे, उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये मज़ीद जो थोड़ा सा बच गया था उसको भी मैंने इसी के अंदर निकाल लिया है। जितना गर्म होता है उतना बेटर रहता है ये इसके अंदर जाने में। अब इसकी हम असेंबलिंग की तैयारी शुरू करते हैं फालूदे की। तो असेंबल करने का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जिस तरीके से पसंद हो उस तरीके से असेंबल करिए, और जितना पसंद हो उस तरीके से असेंबल करिए। सबसे पहले हमने असेंबलिंग के लिए रोबज़ा लिया है, 2 से 3 चम्मच हम लेंगे, और उसको हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे ग्लास के अंदर। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा फालूदा हम ऐड करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ये फालूदा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे। फालूदे को अच्छी तरीके से झटक लें, पानी उसका निकाल लें, और फिर इसके अंदर ऐड करें। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा इसके अंदर फालूदे का, वरना ये थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में दिखाई देगा आपको। ये फालूदा डाल के हमने इसके अंदर 1-2 आइस क्यूब्स डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करने आ रहे हैं तुखमीरा या सब्ज़ा सीड्स, जो भी आप इसे कहते हैं, तुखम लंगा, वो हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, आप अपने हसब ज़ायका जैसे भी है डाल लीजिएगा तुखमीरा सीड्स। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रहा हूँ ये हमारी वैनिला आइसक्रीम। वैनिला आइसक्रीम और फालूदे का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, या आप अगर चाहें आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो आप इसके अंदर कुल्फ़ी भी डाल सकते हैं। कुल्फ़ी के साथ भी फालूदा उतना ही अच्छा लगता है जितना कि ये इसके अंदर लगता है वैनिला में। कुल्फ़ी अगर आप बनाए या बाज़ार से मंगाना चाहें तो आप इसके अंदर कुल्फ़ी शामिल कर लेगा, कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती है। ऊपर गार्निश करने के लिए हम इसके अंदर थोड़े से कैशू नट्स ऐड कर रहे हैं, और इसी के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़े से पिस्ताशू, और ये हमारा फालूदा रेडी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशंस पे टैप करें। और मज़ीद इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।